पुनः श्री करमवीर फौजी साहब को एक शानदार धमाका आयशा टक्कर के लिए। हेलो भाता की, और पांच मिनट का समय और मांगूंगा, ओनली फॉर पांच मिनट मेरे को दे दो। उसके बाद में हमने जो गिद्दे भंगड़े के सॉन्ग गाने हैं और ट्रैक्टर आयशा ट्रैक्टर के ऊपर भी गीत बनाए वो भी गाने हैं। ये मैं पांच मिनट क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश का लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। इन किसानों के साथ उन जवानों का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा दोस्तों। इसीलिए एक देशभक्ति गीत और पांच मिनट का मैं गाऊंगा, सिर्फ उन फौजी नौजवानों के लिए गाऊंगा। और क्योंकि मेरी हिम्मत होती है ऐसे गीत गाने के लिए, क्योंकि विशेष तौर पे फरमाइश करते हैं आयशर कंपनी के अपने जितने अफसर हैं, कभी फौजी को बुलाओ, देशभक्ति बड़ा अच्छा गाता है, इसीलिए पांच मिनट का मुझे टाइम दे दो। ऐसा गीत गाऊंगा आप लोगों के अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, देशभक्ति की भावना हर हिंदुस्तानी के अंदर जरूरी है भाई। चाहे हम किसान हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे मास्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। तो किस प्रकार से इस भारत माँ के ऊपर जब जब मुसीबत आती है तो भारत का नौजवान हर उस हाथ को निकालने का काम करता है जो मेरी भारत माता की तरफ उठती है, हर उस हाथ को तोड़ने का काम करता है जो भारत माता की तरफ उठता है। तो किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वहां से शुरू करूंगा। भरे हुए जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया, भारतीय सैनिकों ने LOC क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बताए वहां लौट पैड कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके POK में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। POK में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। POK में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। वाला बदला उतार कर आए हम, भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रगत से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशतगर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। फौजी हूँ और फौजी चैरिटेबल भी हो जाता है, लेकिन सोच फौजी की वही रहती है। कोई भी एक्स फौजी बैठा हो उनसे पूछ के देख लो, कभी भी जो है वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा देश के प्रति फौजी, चाहकर भी गद्दारी नहीं कर सकता मुल्क से। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है ऐसे ऐसे गीत गाने का, कैसा भी मर्जी माहौल बना हो चाहे। इसीलिए दोस्तों बड़े सवाल उठाए जाते हैं भारतीय सेना के ऊपर, उड़ी में हमला कर दिया, ये कर दिया, भारत सो रहा है, फौज क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं हमारे नेता। दोस्तों ये बड़ी सिक्योरिटी की बातें होती है, इनको ऊपर नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक करके जो जवान आए हैं उनको ओपन नहीं कर सकते। अगर उनको खुला कर दिया कि ये जवान गए थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हम लोग उन फौजियों और फौजियों के बच्चों को, क्योंकि जो उग्रवादी देश के बाहर है वो अंदर भी घुसपैठ करे हुए हैं, आपको पता है। पांच मिनट लगाइए परिवार को उठाने के लिए, इसीलिए सिक्योरिटी की बातें होती है, ये गुप्त रखी जाती है, सेना की एक्टिविटी पता है आप लोगों को। और अगली बात में फिर क्या बता दिया, ध्यान से सुन लेना। मन को मार के करज हो चुका दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीच सीने हम हड़ाते रहे, भारत को एक भी ना धाव लगने दिया। और जो एक चौथी लाइन अभी मैं गाऊंगा, इस पहरे की तीन लाइन गा चुका हूं। 23 जुलाई को इंडिया गेट पे मेरा प्रोग्राम था और यही सॉन्ग मैं गा रहा था, और जब ये लाइन आई चौथी, मेरे पीछे हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी बैठे थे, रक्षा विशेषज्ञ जनरल GD बख्शी साहब बैठे थे, और हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल VK सिंह जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं वो बैठे थे। और जब मैंने ये लाइन गाई उनकी तब इशारा करके ताना से दिया थे इस लाइन में मैंने उनको, तो उन्होंने भी एकदम से ताड़ी बजा के मेरे को वेलकम शाबाश बोला है। और हवा में तिल छोड़ने वाली बात नहीं करता, मेरा एक चैनल चलता है सिंगर फौजी करमवीर, उसपे टाइटल है इंडिया गेट पे उपराष्ट्रपति के सामने फौजी करमवीर ने गाया देशभक्ति गीत, उसमें देख लेना, पीछे ताड़ी बजाते शाबाशी देते उपराष्ट्रपति को। और वो कौन सी लाइन थी चौथी, आपको भी अच्छी लगे तो ताड़ी बजाइयो। पहले तीन लाइन रिपीट करूंगा, उसके बाद में चौथी लाइन ध्यान से सुनना, क्या बता दिया। शीश कटवाने का करज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के करज वो चुका दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे नीच सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक भी न था
शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया और गोलियों के आगे सीने हम अड़ाते रहे। भारत माँ को एक बिना घाव लगने दिया और आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। ये होता है भारतीय सेना का नौजवान दोस्तों। थैंक यू। और अगली बात बताऊंगा, हमारे जवान पैदा होते हैं, ये मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, इनके भी जवान बेटे होंगे, आज इनकी बड़ी इच्छाएं हैं कि मेरा बेटा सेना में जाए, डिफेंस में जाए, देश की रक्षा करे, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी हो गई यहाँ पर जो है किसान हूँ और मेरे बेटे को कामयाब करूँ इस देश के लिए। तो दोस्तों हम इनको भला बुरा कहते हैं, 18-19 साल का बच्चा हो जाता है, निकम्मा है, डिफॉल्टर है, कुछ नहीं करता, सारा दिन गलियों में डोलता है, मुझे पता है, बताते हैं, हम ताने देते हैं बच्चों को, लेकिन ये बहुत काम का है ये बच्चा। इस भारत माँ को जिस टाइम पर खून की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले लाइन में सबसे आगे वॉलंटियर खड़ा मिलता है आपका ये बेटा। इतना जोश है इस भारत के खून में, तो क्या बता दिया, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं पानी, जो इन्होंने की है मन मानी काम आएगी, जब जब कंस शिशु बाल के बढ़ेंगे पाप नट घट कृष्ण की कहानी काम आएगी, देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं मेरे लिए, लेकिन डरता नहीं है भारत का नौजवान। आज फिर ये सॉन्ग डालूंगा यूट्यूब के ऊपर और ये पांच लाइनें गाऊंगा, ये पूरा प्रोग्राम एक साइड और ये पांच लाइनें आज की एक साइड होगी, और कश्मीर ले लूंगा, कश्मीर छीन लूंगा, पाकिस्तान बोलते हैं कश्मीर पे हमारा हक है, कश्मीर ले लूंगा, भारत से छोड़ूंगा नहीं, रहते बाप का राज है कश्मीर ले लेगा, खाला जी का बाड़ा है कश्मीर ले लेगा, इस भारत के नौजवान से कश्मीर ले लेगा तू, अरे हरियाणा के जिला सिरसा राजस्थान और हरियाणा की सीट पे पड़ता है इलाहाबाद सेंटर में, और आज यहां पर खड़ा होकर धोराड़ी धरती में मैं बोल रहा हूं, अरे ये इलाहाबाद के जवान है, ये हरियाणा राजस्थान के जवान है, ये भारत के जवान है, अरे ये तो ट्रेन की खिड़की में बैठ जाए, आप वाली सीट भी आसानी से नहीं देते किसी को, तो कश्मीर ले लेगा इनसे, ताली बजाओ, कश्मीर की आ सकता है, वाह क्या बता दिया। दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं, जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान है उतना आवारा यहाँ कुत्ते भोंक लेते हैं, जितने का धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, जितने का धुआं तेरे कारखाने देते होंगे उतने का साधु जी चिलम फूंक देते, हम आज ये अचूक देते हैं, जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं। भारत माता की जय जय। 500 रुपए से मान सम्मान करते भाई साहब, मेरा इस देशभक्ति गीत पे खुश होकर भगवान इनको कई लाख गुना ज्यादा बना देते। दोस्तों बहुत अच्छी सोच है हमारी, जय जवान जय किसान, और अभी आगे की कार्रवाई हम जो है चालू करते हैं। मेरा प्रोग्राम सफल हो गया, आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुन लिया, और मैं जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं आयसर एजेंसी के बड़े बड़े आला अधिकारी, दादी सत श्री अकाल, ईगल सबसे मर्दानगी कौम है भाई सिख, देखो देशभक्ति का जज्बा कितना, एक बार और मारो जोरदार ताली, 500 रुपए से रमान सम्मान करके गए हैं, थैंक यू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी।
इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एलनाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष श्री रवि कुमार जी हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूँगा श्री हंसराज जी से कृपया स्टेज पर आए, मिस्टर हंसराज, जो कि हमारे आयशा टक्कर के यहाँ के अधिकृत डीलर हैं, मिस्टर हंसराज। और मैं बुलाना चाहूँगा एलनाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष श्री रवि कुमार जी को। रवि कुमार जी, हंसराज जी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, श्री रवि कुमार जी का। तो एक बार अध्यक्ष साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। साथ ही हमारे बीच आज एक और व्यक्ति हैं, श्री हरि कुमार जी तलवाड़िया, जो कि भाजपा के प्रभारी अध्यक्ष हैं। तो वो मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पर आए। श्री गोयल कन्याम जी उनका स्वागत करेंगे, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां बहुत कमी हो रही है भाई, पीछे लोग बैठे हुए हैं। कोटक, ICICI, टाटा, इंडस, चोला, मैग्मा, L&T, एक्सिस और बाकी और भी फाइनेंसर हैं जो हमारे पीछे हैं। तो मैं उन सभी फाइनेंस कंपनियों से अनुरोध करूंगा, कृपया एक ही फाइनेंस कंपनी, सभी फाइनेंसर भाइयों से अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पर आएं। SBI से श्री शिव कुमार जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर आएं। SBI से श्री शिव कुमार जी, लेंगे आज का थर्ड लकी ड्रॉ। तो मैं चाहूंगा अगर यहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा हो वो स्टेज पर आ जाए। छोटा सा बच्चा कोई, इसमें सारे कूपन पड़े हुए हैं, इस बच्ची इस कूपन को हिलाई, पर्ची निकल चुकी है, थर्ड विजेता की पर्ची निकल चुकी है और पर्ची हमारे विशिष्ट अतिथि के हाथ में आ चुकी है। और अब नाम का अनाउंस। किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जो हर्षिता, इसके लिए एक ताली हो जानी चाहिए जिसने निकाला है। तो बहुत बहुत मुबारक, इनका नाम जयप्रकाश जी है, बहुत बहुत इनके लिए।